आज इस सदस्यता अभियान का इस प्रेस मीट में तमाम उपस्थित और मीडिया परिवार को स्वागत करते हैं। साथ साथ में मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो जो है हमारे राष्ट्रीय मंत्री माननीय श्री अनिल एलफनी जी को अंगवस्त्र के साथ उनका स्वागत करें। निडेजा प्रॉपर्टीज हेवलॉक आइलैंड में आपके लिए 200 से 300 स्क्वायर मीटर्स के प्लॉट्स लेकर आए हैं। ये हिली लैंड क्लासिफिकेशन के प्लॉट्स हेवलॉक के गोविंद नगर मार्केट से बस 600 मीटर दूर हैं। अंडमान द्वीप समूह के निवासियों को प्लॉट्स की खरीदी पर 100% कैशबैक शॉपिंग पॉइंट्स भी मिलेगा। ये कैशबैक शॉपिंग पॉइंट्स आप अगले 10 साल में टूर पैकेजेस, कपड़े, दवाइयाँ, फुटवियर, मेनलैंड में एम्पेनल्ड अस्पताल के खर्च और अन्य निर्धारित प्रोडक्ट्स पे रिडीम कर सकते हैं। इस शानदार ऑफर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पर कॉल करें या निडेजा प्रॉपर्टीज के फोनिक्स पे पोर्ट ब्लेयर स्थित ऑफिस विजिट करें। साथ साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अनिल एलफनी जी और इस प्रदेश का भाजपा सदस्यता अभियान हमारे को कन्वीनर और प्रदेश के मंत्री श्री अनिल तिवारी जी, को कन्वीनर हमारे असमंता, को कन्वीनर हमारा देवव्रत भाई, ये प्रदेश की टीम है जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको एक जिम्मेदारी दी है कि अंडमान निकोबार में हमें सदस्यता अभियान के तहत एक बड़ी संख्या में हम सदस्यता को दिला सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों 17 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पे हमारा दिल्ली में इसका कार्यशाला जो हुआ था उसमें हम सभी उपस्थित हुए थे और उसी कार्यशाला के संदर्भ से आज जो है महाराष्ट्र मंडल में प्रदेश स्तर का कार्यशाला हुआ जिसमें हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी भी आए थे और उस कार्यशाला का उन्होंने मार्गदर्शन दिया और हमारे माननीय राष्ट्रीय मंत्री अनिल एलफनी जी मार्गदर्शन दिए। हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में जो अभी तक का सबसे बड़ा एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टी जो है हम उभर के आए हुए हैं जिसका नेतृत्व हमारा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, एक लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि इस बार जो है हमको 10 करोड़ नया सदस्य को जोड़ना है। अभी तक हमारा जो है सदस्यता जो है 18 करोड़ के आसपास 18 करोड़ है जिसमें हमें नया सदस्य 10 करोड़ जोड़ना है यानी कि 28 करोड़ का लक्ष्य है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा और 1 सितंबर को पहला हमारा सदस्यता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। इसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान चालू हो जाएगा और हमारा प्रदेश का भी एक लक्ष्य दिया गया है कि जितना आपको चुनाव में वोट मिले हैं उसका 75% आपको जो है सदस्यता वहां पे दिलवाना है, आपकी कोशिश होनी चाहिए। यानी कि हमको 1,02,000 वोट मिला है तो लगभग 75,000 हमको सदस्यता अभियान के तहत हमको सदस्यों को बनाना है जो कि पिछले समय में 2019 में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी हैं ये पिछले समय में ये सदस्यता अभियान के खुद जो है यहाँ का कन्वीनर है और ये अंडमान के इतिहास का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन फिक्स किए कि इतना बड़ा संख्या 55,000 जो सदस्यता अभियान यहाँ पे हुआ था उसमें सदस्यता इन्होंने बनवाई थी, इनके इंचार्ज में वो सब हुआ था। अब वो उसको हमको जो है लगभग 20,000 नए सदस्य को जोड़ेंगे तब जाके 75 पे टारगेट में पहुंचे। तो हमारे लिए एक चैलेंज है कि
क्योंकि यहाँ के ज्योग्राफिकल और जो सिचुएशन जो है यहाँ पे मुख्य भूमि की तरह नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सदस्यता की होती है कि प्रदेशों में क्या है कि एक प्रदेश में 10 करोड़ की आबादी हो तो मुश्किल से 15-20% जो है लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। लेकिन अंडमान की परिस्थिति क्या है कि आप अगर देखोगे तो हर परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो थोड़ी सी वो संख्या जो है लेके आना बड़ा चैलेंजिंग होता है। फिर भी हमें मेहनत करना है और उस टारगेट को पूरा करना है। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी को जिम्मेदारी दिए हैं उसको हम निभाएंगे। हमारा टीम जो है मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य को हम प्राप्ति करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लूँगा क्योंकि बाकी हमारे अध्यक्ष जी और हमारे माननीय मंत्री इस विषय में बोलेंगे, तो इतना ही बात मैं बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारे राष्ट्रीय मंत्री, हम सब के प्रिय अनिल एंटोनी जी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, और ख़ास करके उनके लिए ही आप सबको आज याद किया गया। अभी माननीय संजय सिंह जी ने आप सबको अवगत किया है कि आज एक प्रदेश का जो कार्यशाला था महाराष्ट्र मंडल में, हम लोग दिन को 11 बजे शुरू किए थे और लगभग 1:30 बजे तक वो कार्यशाला चलते रहे, जिसमें माननीय अरविंद मेनन जी भी आए थे। वो भी हमारे राष्ट्रीय मंत्री है और यहाँ की सदस्यता का प्रभारी है, और माननीय अनिल एंटोनी जी, वो भी हमारे राष्ट्रीय मंत्री है और पार्टिकुलर आज का जो वर्कशॉप है इस वर्कशॉप के इंचार्ज है। तो हमारे जो वर्कशॉप था, वर्कशॉप के पश्चात अरविंद मेनन जी, उनको मुख्य भूमि में दूसरा जगह में आज ही जाना है, पहुंचना है, तो उन्होंने प्रस्थान किए हैं, पर माननीय एंटोनी जी कल जाएंगे। इसलिए हमेशा हम लोग 11 बजे 12 बजे कॉन्फ्रेंस रखते हैं, लेकिन आज इसलिए हम लोग जो है 4 बजे आप लोगों को कॉल किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप लोग सभी लोग आए। जैसा कि संजय जी ने इंट्रोडक्शन भी किया है, मैं भी एक बार बोलना चाहता हूं, संजय कुमार सिंह जी इस बार 2024 भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई सदस्यता अभियान का प्रमुख है। वैसे में अनिल तिवारी जी जो हमारे प्रदेश मंत्री है, अनिल तिवारी जी वो को इंचार्ज हैं। हमारे अशुमंजू हलदार जी जो जिला परिषद मेंबर लिटिल अंडमान के और पार्टी के मंडल प्रेसिडेंट भी है आरकेपुर के, वो भी को इंचार्ज है। हमारे देवव्रत दास जी जो मिडिल अंडमान स्वदेश नगर का प्रधान है और इस सदस्यता अभियान के स्टेट को कन्वीनर भी है। संगठन पर्व का विस्तार शुरू हो चुका है। पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में हर 6 साल में एक बार हम लोग जो है सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता और सक्रिय सदस्यता का ड्राइव हम लोग करते हैं। जैसा संजय जी ने बताया, इस बार न्यू दिल्ली में नेशनल वर्कशॉप इसी महीना का 17 अगस्त में हुआ, जिसमें एक बड़ा टीम हम लोग यहाँ से उस वर्कशॉप में गए और पार्टिसिपेट किए, और आज प्रदेश का वर्कशॉप हुआ। और बहुत जो हमारा जो अधिकारी लोग थे, जो हमारा एक्सपेक्टेड डिग्नेटरीज थे आज का कार्यशाला का, मैक्सिमम लोग आए और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम महाराष्ट्र मंडल में हुआ, और जिसमें विस्तारित रूप से माननीय अरविंद मेनन जी, माननीय अनिल एंटोनी जी सभी उपस्थितियों को मार्गदर्शन किया। जैसा संजय जी ने बताया, पिछले बार हम लोग अंडमान निकोबार में 55,000
प्राथमिक सदस्यता हम लोग किए थे और देश का आंकड़ा था, पूरा देश का आंकड़ा 18 करोड़ था। इस बार का टारगेट हमको 75,000 हम बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कोरोना जैसा महामारी में, बहुत आपात स्थिति में संजय सिंह जी पार्टी का नेतृत्व किया, इंचार्जशिप निभाया, उनका नेतृत्व में हमारा जो टीम बना पूरा मंडल तक, प्रदेश से लेकर मंडल तक हमारा टीम मजबूती से काम करेंगे और इसको कामयाब दिलाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूरा देश भर में मिस कॉल का जरिए हम लोग जो मेंबरशिप ड्राइव करते हैं, वह नंबर मैं आपका समक्ष रखता हूं, 8800002024। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 8800002024। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे ऐसा जगह है जहां में मिस्ड कॉल का जरिए मेंबरशिप ऑनलाइन में करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ठीक से नेट काम नहीं करता वहां पर। तो पिछली बार भी हम लोग किया, कुछ ऑनलाइन में भी किया मिस कॉल का जरिए, और इस बार भी हम लोग निर्णय लिया और दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को हम लोग आग्रह किया, निवेदन किया कि अंडमान में दूर दराज के क्षेत्रों में सभी जगह में ऑनलाइन में करना मुश्किल है, तो पिछली बार की तरह हम लोग मेंबरशिप बुक छपवा के पर्ची कट के हम लोग मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, ऐसा निर्णय हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग लिया है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं समूह अंडमान निकोबार द्वीप वासियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समर्थक है, जो हमारा वेल विशर है और जो हमारा पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, पार्टी का मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो चाहे मिस्ड कॉल का जरिए हो और चाहे पर्ची का माध्यम से हो, हम लोग वो मेंबरशिप ले सकते हैं, उनका लिए स्वागत है, पार्टी का दरवाजा खुला है। और संजय जी का नेतृत्व में जो कमेटी पूरा नीचे तक बना है, हम लोग वो कमेटी को एक दो दिन में सभी न्यूज़पेपर, जो हमारा यहाँ का मीडिया बंधु लोग है, सभी न्यूज़पेपर में हम लोग छपवाएंगे, ताकि अलग अलग जगह में अलग अलग लोग, अभी कैंबल बे का जो इंचार्ज है, अगर कैंबल बे का लोग वो इंचार्ज का पास जाएंगे तो बहुत इजीली वो हमें मेंबरशिप ड्राइव कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, ऐसा डिगलीपुर हो, बाकी आइलैंड हो, इसलिए इसको हम लोग सोचा है न्यूज़पेपर में पूरा टोली हम लोग डिटेल में देंगे, उसमें छपवाएंगे, ताकि लोगों का लिए सुविधा हो। और मुझे इतना ही कहना है, फिर से एक बार मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और मैं अब आग्रह करना चाहूंगा हमारे प्रिय अनिल एंटोनी जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री, विस्तारित रूप से आपका समक्ष सदस्यता अभियान का जो विषय है वो रखेंगे। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank all the members of the media fraternity for being here. Today I am accompanied by Honorable President of Andaman and Nicobar, Ajay Bairangi ji, and also all the members of the Sadasidhi Abhiyan of Andaman and Nicobar, Sri Sanjay Singh ji, Sri Anil Tiwari ji, Sri Haider ji, Asmanda Haldar ji, and Sri Devavrata Das ji. I am here to brief you on the Sadasyata Abhiyan campaign, a membership drive
which for the Bharatiya Janata Party is without doubt the most important campaign in our party. In the 2024 Lok Sabha elections, you all would have once again seen very clearly that the Bharatiya Janata Party is without doubt the preferred party of India. For the third time in a record equaling manner, the Bharatiya Janata Party and the NDA led by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the party and the alliance won. And just for the second time in India's independence, there is a Prime Minister who has now sworn in for the third time, third consecutive time. For the Bharatiya Janata Party, again, the last election, the 2024 Lok Sabha election, it was a election where it was our third best ever performance, and the leading opposition party, the Congress Party, with a lot of history, it was our third worst ever performance. Alongside the Lok Sabha elections, there were also four state elections, including in Arunachal Pradesh and Sikkim, in Andhra Pradesh, in Orissa. And before the Lok Sabha elections, there were three state elections in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh. And one thing, despite a lot of criticism as well as a lot of skepticism, we also, the NDA, winning all these elections very comfortably. One of the biggest strengths that drive the NDA, the Bharatiya Janata Party, the engine of our growth and our performance is actually our working members, our members as well as our active members. At this moment, the Bharatiya Janata Party, like the Honorable President here has already said clearly, it is the largest party in the world, even bigger than the Chinese Communist Party. It is bigger than any other party in the world. And at this moment, we are having 18 crore members across India. Our Sadasyata Abhiyan for the first time in a comprehensive manner started in 2014 when our current Home Minister, who was the Bharatiya Janata Party Adhyakshan, Amit Shah ji, under his guidance and leadership, the first Sadasyata Abhiyan started in 2014. Then we had 11 crore members after a very successful campaign. In 2019, after the elections, once again the process was repeated. This time we had over 18 crore members. This time, the first workshop of the Sadasyata Abhiyan, it happened in Delhi on the 17th of this month, where there were representatives from every single state, including Andaman, every other state, where all the state leaders as well as the members of the Sadasyata Abhiyan committee from each state, we were all there, and Honorable Nadda ji, Honorable Amit Shah ji, and the chairperson of the Abhiyan, Vinod Tavade ji, under their leadership and guidance, there was a workshop that happened on the 17th. Today in Andaman, in the morning, there was the state workshop where the South India in charge, Arvind Menonji, he was there, and I was also there. And we were having an interaction with our committee members to take the program forward. This year, in 2024, the party is having a target of 10 crore additional members from our previous time. And in each state, we have set targets which are ambitious but which is certainly reachable. For example, in the state of in Andaman and Nicobar, in 2014, when the campaign was run here, we had 8,126 members. In 2019, when the campaign Sadasyata Abhiyan was launched here, after the campaign, the number from 8,126 increased to over 49,000. So it had over 500% increase of members in a 5-year span in Andaman. Now, this time, the member of parliament, in the Lok Sabha election, the member of parliament from here has won with a record mandate of a margin of over 24,000. And this time, under the guidance of our national leadership, we have set a target of 75% of the votes we received during the Lok Sabha election as the target which we are aiming to achieve this time. In the coming weeks, there will be a series of events that will be meant to support our objectives. In the next 10 days, till the 31st of this month, there will be workshops that will be held at each level, Morcha levels, different mandal levels,
till the last booth level. And on the 31st of October, there will be a large meeting of all the booth representatives of this campaign. This campaign is run in two phases. The first phase is from the 1st of September till the 25th of September. And the second phase is from the 1st of October till the last of October. In the first phase, on the 1st of September, in a national level, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji himself will be taking the membership with a missed call, and also from the National President Honorable Nadda ji. So after that, all the senior leaders of the party, all the major office bearers across the state will be following suit. And on the second and third, there will be a large scale membership initiative which will be led by all the party leaders from across the state. Fourth and fifth, there will be press conferences and messaging again to the media on this campaign in a large scale. And then till the 25th of September, there will be door-to-door campaigns, there will be house samparks, there will be many campaigns where every single leader of ours across all levels will be participating. And then from the 1st of October, we will be scaling that campaign up to different social groups also, including like women, farmers, athletes, all kind of large social groups and prominent people. And this campaign will be going on till the 25th of October. On the 10th of November, there will be a large digital rally where every single member, new member of the BJP and the old members, every single member will be attending this digital rally in a large scale, where our national leaders will also be participating in it. This campaign, like we have already mentioned before, is the most important campaign of our party. We this time have a very ambitious target of 10 crore more additional members from our last time, and we will grow as a party, and we will also ensure that this party will be supporting the vision of our Honorable Prime Minister in the coming years. Our Honorable Prime Minister has a vision of converting India and transforming India into a fully developed country by 2047. And right now, in the last 10 years, a lot of framework for that had been laid. Now, in the coming 5 years also, the government will be implementing different of our schemes across India in almost every household, with our motto of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. And it is our party workers, our members, who ensure that the connect between the government and the party is strong, it will remain strong, and we will keep moving forward as the largest party in the world, and also work towards our Prime Minister's vision of being a fully developed country by 2047. We work on the motto of one of our ideological members, Deendayal Upadhyay ji, who many years back had said that it is the objective of our party to ensure that every single critic we have, every single opponent we have, with time we will work to make them our voters with the quality of work which we do on the ground. Then we will work to make our voters into members, and then we will work to make our members into active members. So this is the philosophy and motto of the party with which we work, and all this is done to ensure that the Bharatiya Janata Party and the government led by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji can ensure that we can bring on development into this country with our long-term vision of a fully developed India. Thank you. मैं आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, इस कार्यक्रम को द्वीपवासियों को आप अपने सहयोग से पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।